समंदर का सीना चीर कर निकलेगी मिसाइलें, ट्रेन से होंगे हमले, ट्रक पैदा करेगा टेरर, तबाही का क्लब जो पाकिस्तान के पसीने छुड़ा देगा, ड्रैगन को डरा देगा, दुश्मन की हर चाल का जवाब, ये छिपा रुस्तम है जो कंटेनर के अंदर से करता है हमला, ना सोचने का मौका ना संभलने के लिए वक्त, एक ऐसा क्लब जिसके पास हर तरह के हथियार हैं, जो कहीं भी जा सकता है और किसी को भी मार सकता है, दुनिया इसे क्लब ए के नाम से जानती है। कंटेनर जिसमें आम जिंदगी के सामान को लाया ले जाया जा सकता है, पर क्या आपने कल्पना की है कि इन कंटेनर में मौत का सामान भी ले जा सकते हैं, जिसमें मिसाइल होंगी, जिसमें रॉकेट लॉन्चर होंगे। आज रक्षक में हम बात करेंगे कंटेनर में छिपे इन्हीं हथियारों की। सबसे पहले देखते हैं कि कंटेनर में छिपे यह हथियार कितने घातक हो सकते हैं। ये देखिए एक आम सा दिखने वाला कंटेनर ट्रक दुश्मन के बेस से कुछ दूरी पर रुक गया, जहां सेना का पूरा एयर बेस है, रडार है, मिसाइल सिस्टम है, फाइटर प्लेन की एक फौज है। अब गाड़ी से एक शख्स निकलता है और सिर्फ एक बटन दबाते ही पूरा कंटेनर खुलता है, जिसके अंदर एक खतरनाक हथियार है, जिसके टारगेट पर दुश्मन की सेना का पूरा एयर बेस है। दुश्मन इस खतरे से पूरी तरह से अनजान है, उसे शक ही नहीं हुआ कि सामान ले जाने वाला ये कंटेनर हथियार भी ले जा सकता है, जिसके बाद चंद मिनटों में ये यूएवी यानी बिना इंसान का एरियल व्हीकल हवा में जाकर हमले के लिए तैयार हो जाता है। और ये हुआ हमला। एक के बाद एक दुश्मन के फाइटर प्लेन तबाह, मिसाइल सिस्टम का नामो निशान मिट गया, रडार पूरी तरह से तहस नहस, और यूएवी हथियार एक के बाद एक खड़ा, पूरा एयरबेस धुआं धुआं, दुश्मन की वायुसेना पूरी तरह खत्म। अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस बार कंटेनर लेकर ट्रक समंदर के किनारे पहुंचा है और निशाना है खतरनाक हथियारों से लैस वॉरशिप। और ये रहा हमला, न फाइटर प्लेन, न लॉन्चर, न हेलीकॉप्टर, सब कुछ तबाह। और ये गई वॉरशिप। तीसरी तस्वीर सेना के कैंप की है, जहां दुनिया के खतरनाक टैंक मौजूद हैं और वो सारे हथियार जो एक आर्मी को ताकतवर बनाते हैं। एक बार फिर कंटेनर में छुपा रुस्तम दबे पांव हमला करता है और बड़े बड़े हथियारों के साथ पूरे कैंप को तबाह कर देता है। अब आपको दिखाते हैं चौथी तस्वीर। एक रिहायशी इलाके में एक कार के साथ छोटे से कंटेनर में हथियार पार्क में पहुंच चुके हैं, जिसके निशाने पर वीआईपी का घर है। यूएवी हथियार ने शुरू कर दिया हमला। एक के बाद एक रॉकेट और दुश्मन खत्म।
लड़ाई के अंदर जो दुश्मन है वो हमेशा इस तांग में रहता है कि आपके मिसाइल बेस कहां पे है, कहां से आप मिसाइल को लॉन्च करते हैं। तो अगर ये जो मिसाइल बेस का सारा सिस्टम है, जो मिसाइल बेस के अंदर जो रेडार सिस्टम होता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जहां वो उसका जो कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं और जो उसके वेपन्स को फायर करने के जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सिस्टम बना दिए जाते हैं, उन सबको अगर हम मिनिएचर उसका बना के एक 40 फुट के कंटेनर के अंदर लगा दें, तो वो एक मोबाइल जिसे कहते हैं मोबाइल मिसाइल बेस बन जाता है। और ये लड़ाई के अंदर एक सरप्राइज देने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कारगर रहता है। ये चार तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि एक कंटेनर की पहुंच क्या हो सकती है, इसे ले जाना कितना आसान है और यह कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि यह तस्वीरें एक खास यूएवी हथियार से हमले की है, लेकिन क्लब के सदस्यों की रेंज बहुत बड़ी है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से लेकर कंट्रोल रूम शामिल है। एक आम सा दिखने वाला बंदरगाह जिसमें बहुत सारे कंटेनर हैं, जो कि बाहर से देखने में बिजनेस के लिए जाना जाने वाला एक एक्सपोर्ट के माल की तरह दिख रहा है, लेकिन इन कंटेनर्स में क्या आ सकता है ये देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए पूरा मिसाइल सिस्टम, जो कि दुनिया की खतरनाक मिसाइल से लैस है। आगे बढ़ते हैं, ये यूएवी हथियार जहां कंटेनर के अंदर ही इसका कंट्रोल रूम साथ में अटैच है, यानी इन कंटेनर में मौत का पूरा सामान मौजूद है। अब आपको दिखाते हैं कैसे ये कंटेनर मिसाइल सिस्टम में बदल जाता है, जिसे ट्रक में ले जा सकते हैं, ट्रेन पे ले जा सकते हैं, नेवी की बोट्स में ले जा सकते हैं, बड़े जहाज में जा सकता है, हवा में उड़ने वाले जहाजों से लाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, इन जगहों पर इनकी तैनाती की जा सकती है जहां से ये लॉन्च किए जा सकते हैं, यानी मालवाहक जहाज से हमला, साधारण पानी के जहाज से हमला, ट्रेन से हमला, सड़क में खड़े ट्रक से हमला। मिसाइलें निकल चुकी हैं जमीन के दुश्मन के लिए, पानी से आ रहे खतरे के लिए, जिनके लिए अब खुद को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जो अपने करीब आ रहे इस खतरे से पूरी तरह से अनजान है। और ये रहा हमला, ना पानी का दुश्मन बचा, ना जमीन के खतरे और ना ही दुश्मन की आसमानी ताकत, सब कुछ खत्म। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि इन्हें किसी भी तरह के लॉन्चिंग ग्राउंड से दागा जा सकता है। आमतौर पर इस मिसाइल सिस्टम को कोवर्ट अटैक सिस्टम के तौर पर यूज किया जाता है, यानी तमाम छोटे देश जो अपने दुश्मन से आर पार की लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनके लिए क्लब के कोवर्ट मिसाइलें मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। इस मिसाइल से लैस देश अपनी सीमाओं पर ट्रकों, लॉरियों, ट्रेन या समुद्री सीमाओं पर नेवी बोट्स पर भी इन मिसाइलों को तैनात कर सकते हैं। ये सरप्राइज एलिमेंट है अगर आपको अचीव करना है। इस पूरे सिस्टम को क्लब के कहा जाता है, जिसमें हथियारों को साधारण तरीके से और कंटेनर दोनों में लैस कर सकते हैं। इनमें हथियारों की एक लंबी लिस्ट होती है और ये हथियार कितने खतरनाक और सटीक होते हैं इसका ट्रेलर हम आपको दिखा चुके हैं। क्लब के सदस्य हथियार भारत के भी रक्षक बने हुए हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्लब के मिसाइल रूस की घातक क्रूज मिसाइल है। रूस में क्लब के मिसाइलों का भंडार है। रूस की तमाम किलो क्लास पनडुब्बियों में इस तरह की मिसाइलों को लगाया गया है। रूस के पास दो तरह की क्लब के मिसाइल हैं। पहली तरह की मिसाइलें 3M54KE, 3M54KE1, KH-35UE है। ये एंटी शिप मिसाइलें हैं।
यानी इन्हें मरीन ऑपरेशन के लिए बनाया गया है, जबकि 3M14KE KH-35UE मिसाइलें लैंड अटैक मिसाइलें हैं। इन्हें ट्रेन या ट्रकों के जरिए कहीं भी दागा जा सकता है। इन मिसाइल्स को एंटी शिप मिसाइल का स्मॉस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर यूज किया जा सकता है, यानी कि किसी देश पर विमान या बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का खतरा हो तो उस देश के किसी भी कोने से, किसी भी प्लेटफॉर्म से इन क्रूज मिसाइलों को दागा जा सकता है और अपनी रेंज में आने वाले हर हथियार को ये मिसाइलें नेस्ता नाबूद करने में सक्षम है। एक क्लब की मिसाइल को 40 फीट के स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर में फिट किया जा सकता है। एक मिसाइल सिस्टम की कीमत करीब 10 से 20 मिलियन डॉलर होती है। आपकी जो इंटेलिजेंस हो सिस्टम ऐसी होनी चाहिए और आपको साइबर रिलेटेड इंटेलिजेंस सिस्टम होनी चाहिए ताकि आपको सारे के सारे कंटेनर्स के जो उसकी कंटेन्ड है, जो उनका सामान है, वो पता चल जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट सिस्टम है। इतना ही नहीं, इन मिसाइलों के कई वेरिएंट्स आते हैं जो कि वक्त के साथ डेवलप हो रहे हैं। कुछ वेरिएंट्स रूस अपने लिए इस्तेमाल करता है, वहीं दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए अलग वेरिएंट तैयार किए गए हैं, जिनकी तीन कैटेगरी है, क्लब एस, क्लब एन और क्लब ए। भारत क्लब एस और क्लब एन वेरिएंट से लैस है। क्लब एस सबमरीन के लिए होता है जबकि क्लब एन वॉरशिप के लिए। भारत इन हथियारों का इस्तेमाल अपनी नेवी के लिए करता है, जहां इन मिसाइलों को तैनात किया जाता है। भारत के सिंधु घोष क्लास और तलवार क्लास में ये मिसाइल लैस हैं, जो कि दुश्मन के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहती हैं। ये मिसाइलें पनडुब्बी के अंदर से समंदर का सीमा चीरती हुई दुश्मन पर अटैक करती हैं और उसे पूरी तरह से तबाह कर देती हैं। इतना ही नहीं, वॉरशिप से अटैक करने वाली मिसाइल समुद्री सीमा पर 200 मील दूर खड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी निशाना साध सकती है। इसका एक एयर लॉन्च वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, जो कि आसमान से हमला करने की क्षमता रखता है, जहां इसकी तैनाती टुप्लोव TU-142 विमान में की जाएगी। टुपलोव TU-142 का इस्तेमाल भारत और रूस दोनों ही देश करते हैं, जिसे नेवी की बड़ी ताकत माना जाता है। 3M-54AE एयर लॉन्च मिसाइल को सुखोई 35 में इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं 3M-14AE मिसाइल को MiG-35 से लैस किया जा सकता है। ये मिसाइलें आसमान से लॉन्च की जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात, सुखोई और मिग के कई वर्जन भारत के पास हैं और सुखोई 35 और MiG-35 जैसे एडवांस विमानों की डील को लेकर भारत कई बार रूस से चर्चा कर चुका है। आने वाले वक्त में अगर इन फाइटर प्लेन्स में से किसी डील को मंजूरी मिल जाती है तो भारत के पास इन मिसाइलों की लॉन्चिंग के नए विकल्प खुल जाएंगे। खास पेशकश जारी है, बने रहिए न्यूज में। भारत के पास रूस की SS-N-27 मिसाइलें हैं, जो कि बेहद खतरनाक और ताकतवर मानी जाती है। ये मिसाइल बड़े बड़े जहाजों को बर्बाद करने का मादा रखती है। रूसी क्लब मिसाइलों की रेंज 250 किलोमीटर तक होती है, जबकि ये 200 से 400 किलो तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। मिसाइल की लंबाई करीब 6.2 मीटर है। ये मिसाइल समुद्र की सतह से 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है, जो कि 5 मीटर तक जा सकती है, और टारगेट से 60 किलोमीटर की दूरी पर इस मिसाइल के ऊपर का हिस्सा हट जाता है, जिसके बाद ये सुपरसोनिक यानी आवाज से तेज रफ्तार पकड़ लेती है और टारगेट पर हमला कर उसे खाक कर देती है। भारत की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान की बुरी नजर बनी रहती है और अक्सर इनकी गुस्ताखियां भी देखी जाती है। ऐसे में भारत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इन हथियारों को सेकेंड स्ट्राइक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान के पास क्लब के जैसे हथियारों का कोई विकल्प नहीं है।
जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताकत में एक बड़ा अंतर पैदा करता है। दूसरी तरफ चीन ने भी क्लब के मिसाइलों के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है। चीन ने युआन क्लास और शोंग क्लास पनडुब्बियों को क्लब के मिसाइलों से लैस किया है। ऐसी खबरें हैं कि चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला भी चीन से ऐसे हथियार हासिल करने के फिराक में है। तो ये जो नया सिस्टम बनाया है, ये आतंकवादियों के हाथ में आ सकता है, और आतंकवादियों के हाथ में आता है तो जो कि गवर्नमेंट की फोर्सेस हैं, उनको फिर ये बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है किस किस कंटेनर को रोकें, क्योंकि तो हजारों कंटेनर जा रहे हैं ट्रकों पे, ट्रेन्स पे, हार्बर पे जाओ तो हार्बर पे शिप के शिप कंटेनर से बड़े बड़े हैं, कंटेनर ऑफ लोड हो रहे हैं, कौन सा कंटेनर खोलेगा उसमें से मिसाइल निकलेगी। चीन इन मिसाइलों को लैंड बेस्ड यूज भी कर सकता है, यानी क्लब के मिसाइलों को कंटेनर से लोड किया जा सकता है। चीन ताइवान और एशियाई समुद्री सीमा में अमेरिकी ठिकानों के अलावा सिंगापुर, पनामा, वेस्ट कोस्ट में भी अमेरिकी ठिकानों पर क्लब के मिसाइलों के जरिए ई बम और न्यूक्लियर बम गिराने में सक्षम है। ऐसे में चीन को जवाब देने के लिए भारत ने भी क्लब के मिसाइलों को अपने तरकश में रखा है, ताकि चीन कभी हिंदुस्तान के सामने इन मिसाइलों का दम न भर सके। इसके अलावा इस मिसाइल को वियतनाम और ईरान जैसे देश खरीद रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह इन मिसाइलों की पहुंच है, जो कि जंगल से लेकर पहाड़ और समुद्री इलाके कहीं पर भी तैनात की जा सकती हैं। क्लब की मिसाइलों का व्यापार बहुत आसान है। दरअसल समुद्री और जमीनी सीमा से दुनिया के बहुत देशों के बीच व्यापार होता है। ये व्यापार मुख्य रूप से सी कंटेनर और लैंड कंटेनर्स के जरिए होता है, और क्लब के मिसाइलों को इन्हीं कंटेनर में भरकर एक छोर से दूसरे छोर पर आसानी से ले जाया जा सकता है। व्यापार के दौरान ये मिसाइल ना तो किसी के रडार की पकड़ में आएंगी और ना ही किसी को शक होता है। चीन ने मलेशिया को कंटेनर के जरिए ही क्लब मिसाइलों का निर्यात किया था, यानी चोरी छिपे इन मिसाइलों को न केवल हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इनका व्यापार भी किया जा सकता है। हवा में जाकर हमले के लिए तैयार हो जाता है। और ये हुआ हमला। एक के बाद एक दुश्मन के फाइटर प्लेन तबाह। मिसाइल सिस्टम का नामो निशान मिट गया। रडार पूरी तरह से तहस नहस, और यूएवी हथियार एक के बाद एक धड़ाम। पूरा एयरबेस धुआं धुआं। दुश्मन की वायुसेना पूरी तरह खत्म। अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस बार कंटेनर लेकर ट्रक समंदर के किनारे पहुंचा है, और निशाना है खतरनाक हथियारों से लैस वॉरशिप। और ये रहा हमला। न फाइटर प्लेन, न लॉन्चर, न हेलीकॉप्टर, सब कुछ तबाह। और ये गई वॉरशिप। तीसरी तस्वीर सेना के कैंप की है, जहां दुनिया के खतरनाक टैंक मौजूद हैं, और वो सारे हथियार जो एक आर्मी को ताकतवर बनाते हैं। एक बार फिर कंटेनर में छुपा रुस्तम दबे पांव हमला करता है, और बड़े बड़े हथियारों के साथ पूरे कैंप को तबाह कर देता है। अब आपको दिखाते हैं चौथी तस्वीर। एक रिहायशी इलाके में एक कार के साथ छोटे से कंटेनर में हथियार पार्क में पहुंच चुके हैं, जिसके निशाने पर वीआईपी का घर है। यूएवी हथियार ने शुरू कर दिया हमला। एक के बाद एक रॉकेट,
और दुश्मन खत्म। लड़ाई के अंदर जो दुश्मन है वो हमेशा इस तांग में रहता है कि आपके मिसाइल बेस कहां पे है, कहां से आप मिसाइल को लॉन्च करते हैं। तो अगर ये जो मिसाइल बेस का सारा सिस्टम है, जो मिसाइल बेस के अंदर जो रडार सिस्टम होता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जहां वो उसका जो कुछ खत्म। इन मिसाइलों की खासियत ये है कि इन्हें किसी भी तरह के लॉन्चिंग ग्राउंड से दागा जा सकता है। आमतौर पर इस मिसाइल सिस्टम को कोवर्ट अटैक सिस्टम के तौर पर यूज किया जाता है, यानी तमाम छोटे देश जो अपने दुश्मन से आर पार की लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनके लिए क्लब के कोवर्ट मिसाइलें मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। इस मिसाइल से लैस देश अपनी सीमाओं पर ट्रकों, लॉरियों, ट्रेन या समुद्री सीमाओं पर नेवी बोट्स पर भी इन मिसाइलों को तैनात कर सकते हैं। ये सरप्राइज एलिमेंट है अगर आपको अचीव करना है। इस पूरे सिस्टम को क्लब के कहा जाता है, जिसमें हथियारों को साधारण तरीके से और कंटेनर दोनों में लैस कर सकते हैं। इनमें हथियारों की एक लंबी लिस्ट होती है और ये हथियार कितने खतरनाक और सटीक होते हैं इसका ट्रेलर हम आपको दिखा चुके हैं। क्लब के सदस्य हथियार भारत के भी रक्षक बने हुए हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्लब के मिसाइल रूस की घातक क्रूज मिसाइल है। रूस में क्लब के मिसाइलों का भंडार है। रूस की तमाम किलो क्लास पनडुब्बियों में इस तरह की मिसाइलों को लगाया गया है। रूस के पास दो तरह की क्लब के मिसाइलें हैं। पहली तरह की मिसाइलें 3M54KE, 3M54KE1, KH-35UE है। ये एंटी शिप मिसाइलें हैं, यानी इन्हें मरीन ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। जबकि 3M14KE, KH-35UE मिसाइलें लैंड अटैक मिसाइलें हैं। इन्हें ट्रेन या ट्रकों के जरिए कहीं भी दागा जा सकता है। इन मिसाइल्स को एंटी शिप मिसाइल का स्मॉस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर यूज किया जा सकता है, यानी कि किसी देश पर विमान या बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का खतरा हो। उस देश के किसी भी कोने से, किसी भी प्लेटफॉर्म से इन क्रूज मिसाइलों को दागा जा सकता है और अपनी रेंज में आने वाले हर हथियार को ये मिसाइलें नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। एक क्लब की मिसाइल को 40 फीट के स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर में फिट किया जा सकता है। एक मिसाइल सिस्टम की कीमत करीब 10 से 20 मिलियन डॉलर होती है। आपकी जो इंटेलिजेंस हो सिस्टम ऐसी होनी चाहिए और आपको वो साइबर रिलेटेड इंटेलिजेंस सिस्टम होनी चाहिए, ताकि आपको सारे के सारे कंटेनर्स के जो उसकी कंटेन्ड हैं, जो उनका सामान है वो पता चल जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट सिस्टम है। इतना ही नहीं, इन मिसाइलों के कई वेरिएंट्स आते हैं जो कि वक्त के साथ डेवलप हो रहे हैं। कुछ वेरिएंट्स रूस अपने लिए इस्तेमाल करता है, वहीं दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए अलग वेरिएंट तैयार किए गए हैं, जिनकी तीन कैटेगरी है, क्लब एस, क्लब एन और क्लब ए। भारत क्लब एस और क्लब एन वेरिएंट से लैस है। क्लब एस सबमरीन के लिए होता है, जबकि क्लब एन वॉरशिप के लिए। भारत इन हथियारों का इस्तेमाल अपनी नेवी के लिए करता है, जहां इन मिसाइलों को तैनात किया जाता है। भारत के सिंधु घोष क्लास और तलवार क्लास में ये मिसाइल लैस हैं, जो कि दुश्मन के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहती हैं। ये मिसाइलें पनडुब्बी के अंदर से समंदर का सीमा चीरती हुई दुश्मन पर अटैक करती हैं और उसे पूरी तरह से तबाह कर देती हैं। इतना ही नहीं, वॉरशिप से अटैक करने वाली मिसाइल समुद्री सीमा पर 200 मील दूर खड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी निशाना साध सकती है। इसका एक एयर लॉन्च वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, जो कि आसमान से हमला करने की क्षमता रखता है, जहां इसकी तैनाती टुप्लोव TU-142 विमान में की जाएगी।
टुपलोव TU-142 का इस्तेमाल भारत और रूस दोनों ही देश करते हैं, जिसे नेवी की बड़ी ताकत माना जाता है। 3M-54AE एयर लॉन्च मिसाइल को सुखोई 35 में इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं 3M-14AE मिसाइल को MiG-35 से लैस किया जा सकता है। ये मिसाइलें आसमान से लॉन्च की जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात, सुखोई और मिग के कई वर्जन भारत के पास हैं। और सुखोई 35 और MiG-35 जैसे एडवांस विमानों की डील को लेकर भारत कई बार रूस से चर्चा कर चुका है। आने वाले वक्त में अगर इन फाइटर प्लेन्स में से किसी डील को मंजूरी मिल जाती है तो भारत के पास इन मिसाइलों की लॉन्चिंग के नए विकल्प खुल जाएंगे। खास पेशकश जारी है, बने रहिए न्यूज नेशन। भारत के पास रूस की SS-N-27 मिसाइलें हैं, जो कि बेहद खतरनाक और ताकतवर मानी जाती है। ये मिसाइल बड़े बड़े जहाजों को बर्बाद करने का मादा रखती है। रूसी क्लब मिसाइलों की रेंज 250 किलोमीटर तक होती है, जबकि ये 200 से 400 किलो तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। मिसाइल की समंदर का सीना चीर करने के लिए मिसाइलें, ट्रेन से होंगे हमले, ट्रक पैदा करेगा टेरर, तबाही का क्लब जो पाकिस्तान के पसीने छुड़ा देगा, ड्रैगन को डरा देगा, दुश्मन की हर चाल का जवाब। ये छिपा रुस्तम है, जो कंटेनर के अंदर से करता है हमला। ना सोचने का मौका, ना संभलने के लिए वक्त। एक ऐसा क्लब जिसके पास हर तरह के हथियार हैं, जो कहीं भी जा सकता है और किसी को भी मार सकता है। दुनिया इसे क्लब ए के नाम से जानती है। कंटेनर जिसमें आम जिंदगी के सामान को लाया ले जाया जा सकता है, पर क्या आपने कल्पना की है कि इन कंटेनर में मौत का सामान भी ले जा सकते हैं, जिसमें मिसाइल होंगी, जिसमें रॉकेट लॉन्चर होंगे। आज रक्षक में हम बात करेंगे कंटेनर में छिपे इन्हीं हथियारों की। सबसे पहले देखते हैं कि कंटेनर में छिपे यह हथियार कितने घातक हो सकते हैं। ये देखिए, एक आम सा दिखने वाला कंटेनर ट्रक दुश्मन के बेस से कुछ दूरी पर रुक गया, जहां सेना का पूरा एयर बेस है, रडार है, मिसाइल सिस्टम है, फाइटर प्लेन की एक फौज है। अब गाड़ी से एक शख्स निकलता है और सिर्फ एक बटन दबाते ही पूरा कंटेनर खुलता है, जिसके अंदर एक खतरनाक हथियार है, जिसके टारगेट पर दुश्मन की सेना का पूरा एयर बेस है। दुश्मन इस खतरे से पूरी तरह से अनजान है। उसे शक ही नहीं हुआ कि सामान ले जाने वाला ये कंटेनर हथियार भी ले जा सकता है, जिसके बाद चंद मिनटों में ये UAV यानी बिना इंसान का एरियल व्हीकल, कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं और जो उसके वेपन्स को फायर करने के जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सिस्टम बना दिए जाते हैं, उन सबको अगर हम मिनिएचर उसका बना के एक 40 फुट के कंटेनर के अंदर लगा दें, तो वो एक मोबाइल, जिसे कहते हैं मोबाइल मिसाइल बेस बन जाता है। और ये लड़ाई के अंदर एक सरप्राइज देने के लिए सबसे ज्यादा
महत्वपूर्ण और कारगर रहता है। ये चार तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि एक कंटेनर की पहुंच क्या हो सकती है, इसे ले जाना कितना आसान है और यह कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि यह तस्वीरें एक खास यूएवी हथियार से हमले की है, लेकिन क्लब के सदस्यों की रेंज बहुत बड़ी है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से लेकर कंट्रोल रूम शामिल है। एक आम सा दिखने वाला बंदरगाह जिसमें बहुत सारे कंटेनर हैं, जो कि बाहर से देखने में बिजनेस के लिए जाना जाने वाला एक एक्सपोर्ट के माल की तरह दिख रहा है, लेकिन इन कंटेनर्स में क्या आ सकता है ये देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए पूरा मिसाइल सिस्टम, जो कि दुनिया की खतरनाक मिसाइल से लैस है। आगे बढ़ते हैं, ये यूएवी हथियार जहां कंटेनर के अंदर ही इसका कंट्रोल रूम साथ में अटैच है, यानी इन कंटेनर में मौत का पूरा सामान मौजूद है। अब आपको दिखाते हैं कैसे ये कंटेनर मिसाइल सिस्टम में बदल जाता है, जिसे ट्रक में ले जा सकते हैं, ट्रेन पे ले जा सकते हैं, नेवी की बोट्स में ले जा सकते हैं, बड़े जहाज में जा सकता है, हवा में उड़ने वाले जहाजों से लाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, इन जगहों पर इनकी तैनाती की जा सकती है जहां से ये लॉन्च किए जा सकते हैं, यानी मालवाहक जहाज से हमला, साधारण पानी के जहाज से हमला, ट्रेन से हमला, सड़क में खड़े ट्रक से हमला। मिसाइलें निकल चुकी हैं जमीन के दुश्मन के लिए, पानी से आ रहे खतरे के लिए, जिनके लिए अब खुद को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जो अपने करीब आ रहे इस खतरे से पूरी तरह से अनजान है। और ये रहा हमला, ना पानी का दुश्मन बचा, ना जमीन के खतरे और ना ही दुश्मन की आसमानी ताकत। समंदर का सीना चीर कर निकले की मिसाइलें, ट्रेन से होंगे हमले, ट्रक पैदा करेगा टेरर, तबाही का क्लब जो पाकिस्तान के पसीने छुड़ा देगा, ड्रैगन को डरा देगा, दुश्मन की हर चाल का जवाब ये छिपा रुस्तम है, जो कंटेनर के अंदर से करता है हमला। घातक हो सकते हैं। ये देखिए एक आम सा दिखने वाला कंटेनर ट्रक दुश्मन के बेस से कुछ दूरी पर रुक गया, जहां सेना का पूरा एयरबेस है, रडार है, मिसाइल सिस्टम है, फाइटर प्लेन की एक फौज है। अब गाड़ी से एक शख्स निकलता है और सिर्फ एक बटन दबाते ही पूरा कंटेनर खुलता है, जिसके अंदर एक खतरनाक हथियार है, जिसके टारगेट पर दुश्मन की सेना का पूरा एयरबेस है। दुश्मन इस खतरे से पूरी तरह से अनजान है, उसे शक ही नहीं हुआ कि सामान ले जाने वाला ये कंटेनर हथियार भी ले जा सकता है, जिसके बाद चंद मिनटों में ये यूएवी यानी बिना इंसान का एरियल व्हीकल हवा में जाकर हमले के लिए तैयार हो जाता है। और ये हुआ हमला, एक के बाद एक दुश्मन के फाइटर प्लेन तबाह, मिसाइल सिस्टम का नामो निशान मिट गया, रडार पूरी तरह से तहस नहस, और यूएवी हथियार एक के बाद एक खड़ा, पूरा एयरबेस धुआं धुआं, दुश्मन की वायुसेना पूरी तरह खत्म।
अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस बार कंटेनर लेकर ट्रक समंदर के किनारे पहुंचा है और निशाना है खतरनाक हथियारों से लैस वॉरशिप। और ये रहा हमला, न फाइटर प्लेन, न लॉन्चर, न हेलीकॉप्टर, सब कुछ तबाह। और ये गई वॉरशिप। तीसरी तस्वीर सेना के कैंप की है, जहां दुनिया के खतरनाक टैंक मौजूद हैं और वो सारे हथियार जो एक आर्मी को ताकतवर बनाते हैं। एक बार फिर कंटेनर में छुपा रुस्तम दबे पांव हमला करता है और बड़े बड़े हथियारों के साथ पूरे कैंप को तबाह कर देता है। न सोचने का मौका, न संभलने के लिए वक्त। एक ऐसा क्लब जिसके पास हर तरह के हथियार हैं, जो कहीं भी जा सकता है और किसी को भी मार सकता है। दुनिया इसे क्लब ए के नाम से जानती है। कंटेनर जिसमें आम जिंदगी के सामान को लाया ले जाया जा सकता है, पर क्या आपने कल्पना की है कि इन कंटेनर में मौत का सामान भी ले जा सकते हैं, जिसमें मिसाइल होंगी, जिसमें रॉकेट लॉन्चर होंगे। आज रक्षक में हम बात करेंगे कंटेनर में छिपे इन्हीं हथियारों की। सबसे पहले देखते हैं कि कंटेनर में छिपे यह हथियार कितने